अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईपैड इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए कोर्स लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है जी सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर कोर्स पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि ये कोर्स एक ऐसा ज़रूरी कोर्स हो चुका हुआ है या फील्ड ऐसी ज़रूरी हो चुकी है जो कि इस वक्त हर इंडस्ट्री से के लिए बनाई गई है या उसके लिए बहुत ज़रूरी होती जा रही है। इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें HSC के कानून को मानना पड़ेगा। अगर हम लोग सिविल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर हम केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हम सीमेंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं, अगर हम किसी मेडिकल की लेबोरेटरीज वगैरह से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो हमें सेफ्टी को फॉलो करना पड़ेगा बहुत जरूरी। सेफ्टी ऑफिसर कोर्स 2 से 3 महीने का हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग तमाम किस्म के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ड्रिल्स हम लोग करवाएंगे, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को बताएंगे कि जनाबी अली प्रैक्टिकली होता क्या है सेफ्टी ऑफिसर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में हम लोग बताएंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्यों जरूरी है, क्यों पहनने चाहिए, ठीक है जी। और ये जो कोर्स है ये इंटरनेशनली हाईली रिकमेंडेबल है इस वक्त। इसके बाद आप लोग आयुष भी कर सकते हैं, ओशा भी कर सकते हैं, निकोश भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक लेवल 1 कोर्स है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बताएंगे कि जनाबी अली एक सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में जाके हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे नाफिज कर सकता है और कैसे उसको चला सकता है, ठीक है जी।